दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2023 में बहुत सारी हिंदी वेब सीरीज रिलीज की गई हैं, लेकिन आज का ये काउंटडाउन थोड़ा ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज के बारे में जो कि फिलहाल अभी तक की सबसे सुपरहिट हिंदी वेब सीरीज मानी जाती है 2023 की। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर हिंदी वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10, बैड ट्रिप। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है दो दोस्तों से जो कि एक्चुअल में एक हिटमैन के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं एक टैक्सी में, लेकिन अचानक से ही जब उन्हें पता चलता है कि वो एक्चुअल में हिटमैन है तब उनकी लाइफ कैसी होती है और उनकी ट्रिप कैसी होती है, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिप पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। नंबर 9, एंगर टेल्स। सीरीज बेस्ड है कॉमेडी ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी में आप देख पाएंगे 4 एपिसोड्स, और हर एक एपिसोड्स में आपको नए नए कहानियां और नए नए कैरेक्टर्स नजर आने वाले हैं, और हर एक कहानी बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से प्रेजेंट भी की गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। नंबर 8, झांसी सीजन 2। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि झांसी की सीजन 1 में बहुत सारी चीज़ों को मिस्टीरियस रख दी गई थी, लेकिन उन्हीं मिस्टीरियस चीज़ों को इस बार सीजन 2 में रिवील करने की कोशिश की गई है। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो कि एक्शन थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। नंबर 7, श्वेत काली। सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक राजबाड़ी से जहां पर अचानक से ही श्वेत काली प्रकट होती है, लेकिन प्रकट होते ही वहां पर बहुत सारे मर्डर्स भी होना शुरू हो जाते हैं, और इन सभी चीज़ों के पीछे असल में क्या मिस्ट्री छिपी हुई है इसी को रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं C5 पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। नंबर 6, ATM। सीरीज बेस्ड है एक्शन थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि एक्शन थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है 4 दोस्तों से जो कि अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, और अपनी किस्मत को बदलने के लिए वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं, और लास्ट तक इन 4 दोस्तों का अंजाम क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं C5 पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 5, जानबाज हिंदुस्तान के। सीरीज बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक IPS ऑफिसर से जो कि एक टेररिस्ट एक्टिविटी को किसी भी तरह से फेलवर करना चाहती है, और वो अपने इस काम को किस तरह अंजाम देती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि एक्शन थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं C5 पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। नंबर 4, द नाइट मैनेजर। सीरीज बेस्ड है स्पाई थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक सिंपल नाइट मैनेजर से जो कि एक होटल में काम कर रहा होता है, लेकिन वो किसी भी तरह से दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी को हराना चाहता है और उसे मारना चाहता है, और वो अपने इस काम को किस तरह अंजाम देता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर, और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। नंबर 3, इरू ध्रुवम सीजन 2। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से शहर से जहां पर अचानक से ही बहुत सारे मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो रहे होते हैं, लेकिन असल में इस मर्डर के पीछे किसका हाथ है, इवन सीरियल किलर का असल में क्या मोटो है इसी को रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिप पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 2, राणा नायडू। सीरीज बेस्ड है एक्शन थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक पुलिस ऑफिसर से जिसका सामना एक खतरनाक गैंगस्टर से होता है, और वो गैंगस्टर एक्चुअल में उसका पिता ही रहता है, और लास्ट तक इन दोनों की वॉर में किसकी जीत होती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब सीरीज में। इवन इस सीरीज के और भी बहुत सारे पहलू हैं, और वो सभी पहलू आपको सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाले हैं। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.2। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे फर्जी। सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे आर्टिस्ट से जो कि अमीर बनने के लिए नकली नोट छापना शुरू कर देता है, लेकिन इस क्रिमिनल एक्टिविटी को वो कितनी देर तक चलाए रखता है, इवन इसके साथ कौन कौन और भी ज़्यादा जुड़ते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.5। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।